हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जरकपुर चंडीगढ़। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक बैक पेन के पेशेंट थे जिनको काफी ज्यादा एक टांग में दिक्कत आ रही थी, कमर में दर्द हो रही थी और काफी स्ट्रगल किया उन्होंने। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश सिंगला, मैं राजपुरा से हूँ। अच्छा, तो मैडम मेरे को यहाँ से लेग में पेन पूरे आते थे। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने जापान में भी, अमेरिका में भी, सभी जगह इलाज करवाया। जापान में? हाँ जी। अमेरिका में कब से चल रही थी दिक्कत? ये काफी टाइम हो गया था, लेकिन ये 3-4 महीने से बहुत ज्यादा हो गई थी। अच्छा, यहाँ इंडिया में भी डॉक्टर बहुत यूज किए मैंने, लेकिन यहाँ पर आकर मेरे को है ना, कोई MRI करवाया हुआ था ना आपने? हाँ जी। ओके। यहाँ पर आकर मेरे को वाकई बहुत रिलीफ हुआ। मेडिसिन खाई थी आपने इससे पहले? बहुत मेडिसिन खाई है, 3 महीने हो गए, लगातार मेडिसिन पूरी चल रहा था। ओके, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ा मैडम। दिक्कत क्या आ रही थी आपको? बस यहाँ से बैक से पेन शुरू होती थी, लेग में आती थी मेरे, वही जो आपने बताया कि टाइटनेस आ रही थी, तो बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ मुझे। नहीं तो मतलब उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी? मतलब ना तो मैं उठ सकता था, ना बैठ सकता था, और जब चलता था तो ऐसे लगता था कि जैसे एक लेग मेरी वर्क ही नहीं कर रही। अच्छा, वेट नहीं बेयर करता। हाँ जी। ओके, तो अब मतलब काफी, तो फिर मतलब आप इतने टाइम से फेस कर रहे थे, तो काम किस टाइप का करते हैं आप? मेरा गाड़ियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस। मतलब आपका क्या सिटिंग रहती थी क्या? हाँ जी, सिटिंग का काम था मेरा, ज्यादा सिटिंग का। हाँ जी। आजकल मोस्टली लोग सिटिंग जो भी कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आई रही है। जी। तो मतलब फिर आपको यहाँ पे बताया किसने कि? यहाँ पर मेरे फ्रेंड आए हुए थे पहले एक। अच्छा। पटियाला से। ओके। तो उन्होंने बताया था मुझे कि वहाँ पर जाकर देखो, ज्यादा रिलीफ महसूस हुई थी यहाँ से। किस चीज के पेशेंट थे वो? मेरे ख्याल से उनका कमर दर्द था, तो वो आए थे यहाँ पर पहले। ओके, तो अभी आप राजपुरा से आते जाते? हाँ जी, डेली राजपुरा से आया। ओके, तो आपको कितने दिन हुए हैं यहाँ पे? 5 दिन। एंड यू आर फीलिंग कितना फाइन? बिल्कुल, मतलब जैसे कह लो कि 100% मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। जो आप इतने टाइम से, महीनों से, सालों से दवाइयाँ खा रहे थे, तो फॉरेन का ट्रीटमेंट भी ले लिया था, सब ले लिया मैडम, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में आता है पता नहीं क्या, किस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं जो ठीक हो जाते हैं इतनी जल्दी, या क्या क्या करते हैं। तो आपने क्या डिफरेंस फील किया, आपने इतनी जगह से ट्रीटमेंट लिए जैसे? वो जरा मतलब कि कह नहीं सकते कि किस टाइप का, मतलब आपको ट्रीटमेंट लगा, क्या फील हुआ, कि क्या डिफरेंस लगा आपको? मतलब बेसिकली मैडम मेरे पास तो बस शब्द ही नहीं है कि मैं क्या डिफरेंस बोलूं, कि मतलब कि बस कह लो कि एक इंसान अपनी खुशी नहीं जाहिर कर सकता कि वो जब ठीक हो जाता है कि वो बिल्कुल 0 से 100 पर आ जाए, तो मतलब कि उसके पास शब्द नहीं रहते कि वो क्या बोले। ओके, तो अब इतने टाइम से पेन में थे, तो लाइफ में क्या चेंजेस फील हो रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। मैंने उस दिन भी आपको बताया कि वो मेरे को उस दिन खुशी हुई कि मेरा बेटा नाच रहा था, तो मैंने भी उसके साथ डांस किया, तो मेरे को खुद ही मतलब कि काफी अच्छा फील हुआ ना कि चलो मैं भी अब इन्वॉल्व हो सकता हूँ। हाँ जी, तो आप बाकी के जो पेशेंट्स इतना सफर करते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि वो यहाँ पर एक दफा आकर देखें, और मेरा विश्वास है कि वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर ही जाएंगे। आपको क्या सर्जरी वगैरह के लिए बोला था किसी ने? बहुत पहले बोला था मैडम, सर्जरी के लिए बोला था। हाँ जी। ओके, बट कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं आपको? हाँ जी। विद इन 5 डेज आप ठीक हो गए? मैं तो खुद हैरान हूँ मैडम, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।